दोस्तों आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर पहले खेली भारतीय टीम और भारत ने 50 ओवर खेलकर 306 रन बनाई। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा रन बनाई। उन्होंने क्षेत्रीय गेंदों का सामना करते हुए 80 रनों की पारी खेली और 4 चौके और 4 बेहतरीन छक्के लगाई। उनके अलावा कप्तान शिखर धवन ने 77 गेंदों का सामना करते हुए 72 रन बनाई और 13 चौके लगाई और शुभमन गिल ने भी 68 की पारी खेली और 65 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाई और 1 चौका और 3 शानदार छक्के लगाए। इस प्रकार आखिरी में संजू सैमसन 38 गेंद पर 36 रन और वाशिंगटन सुंदर ने मात्र 16 गेंदों पर 37 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और 50 ओवर में भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 306 रन पहुंचा दिया और न्यूजीलैंड को 307 रनों का टारगेट दिया। टारगेट का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही और 8वें ओवर में मात्र 35 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड ने अपना पहला विकेट गंवा दिया। फिन एलन मात्र 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उसके बाद डेवन कॉर्नवे भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और 42 गेंदों पर 24 रन बना सके, लेकिन एक तरफ से विलियमसन वन डाउन पर बैटिंग करना ही और न्यूजीलैंड की पारी को संभाले रखा, लेकिन एक तरफ से लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। डेरिल मिचेल भी 16 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उसके बाद बैटिंग करना टॉम लोथम जो कि केन विलियमसन के साथ फिलहाल बैटिंग कर रहे हैं और 20 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 88/3 विकेट हो चुका है और अभी भी जीत के लिए 180 गेंद पर 219 रन चाहिए। सो गाइस आपके अनुसार क्या भारत आज का मैच जीत पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।